हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बारिश में पकोड़े का मज़ा लेने जा रहे हैं। वो पकोड़ा है फूल गोभी यानी कि केली फ्लावर का। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपके भी घर में ऐसे ही मज़ेदार पकोड़े बनके तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गोभी के पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है फूल गोभी। एक पाव हमने फूल गोभी लिया है, जिसका हमने फूल अलग करके गर्म पानी में नमक डाल के बॉयल करके निकाल लिया है। बेसन, मैदा, सूजी, अमचूर पाउडर, अजवाइन, हींग, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला, नमक और फ्राई के लिए हम तेल लिए हैं। तो चलिए हम आगे पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। पकोड़ा बनाने के लिए हमें एक बड़ा बॉल लेना है और इसमें बैटर बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट डालने हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे बेसन, मैदा, यहाँ पे आप अरारोट भी ले सकते हैं, सूजी, हम डालेंगे एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, अजवाइन जिसे हमने हथेली पे क्रश करके रख लिया है, अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर से पकौड़े में चार चांद लग जाता है। अब हम डालेंगे यहाँ स्वाद के अनुसार नमक, तो हम दो चम्मच नमक ले रहे हैं। फाइनली हम पेस्ट को टेस्ट करके फिर डालेंगे कम ज्यादा है तो। और हम इसमें डाल लेंगे चुटकी भर हींग, चुटकी भर हींग डालेंगे हम। अब हम इसमें पानी डाल के एक बढ़िया सा घोल बनाएंगे। तो हम एक विक्स की मदद से ऐसे फेंटते हुए और थोड़ा थोड़ा पानी डलाते हुए बेटर बनाएंगे। एक साथ में हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि अपनी बेटर पतली नहीं बनानी है, गाढ़ी बनानी है। तो ऐसे हम फेंटते हुए बनाएंगे। आप देख सकते हैं अपने पकौड़े के लिए हमने घोल तैयार कर लिया है। ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए पकौड़े की घोल की। तो यहाँ पे हमने उन लोगों के लिए ये घोल बनाया है जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, पर हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन प्याज और मिर्च का पेस्ट। तो ये हमने लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना के फ्रिज में रख लिया है, उससे हम डाल रहे हैं दो चम्मच। अगर आप नहीं खाते हैं तो नहीं डालिएगा। ये इंग्रीडियंट्स हमने इसके लिए सबके साथ में नहीं दिखाया था। अब हम इसे भी अच्छे से घोल लेंगे, इससे पकौड़े की स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब हम पेस्ट को थोड़ा सा ढक के छोड़ देंगे। अपनी बेटर तैयार है और गोभी की पानी निकल चुकी है। तो सबसे पहले हम बेटर में सभी गोभी डाल लेंगे और एक फोक की मदद से इसे अच्छे से डिप कर लेंगे। इससे क्या होगा, बेटर अपनी गोभी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब चलिए हम अपनी तेल की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तेल गरम होने के लिए रख लिया है। तेल अच्छी खासी गरम हो चुकी है। अब हमें एक फोक की मदद से एक एक गोभी को उठाना है और इसे तेल में छोड़ देना है। आप चाहें तो चम्मच से या हाथ से, जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे डालिए। तो ऐसे हम सभी गोभी के पकौड़े को तेल में छोड़ देंगे। हमने गोभी के पकौड़े को उलट पलट के 12 मिनट तक फ्राई किया है। फ्लेम को कभी स्लो कभी मीडियम करते हुए हमने फ्राई किया है। आपको दिख रहा होगा कितना बढ़िया क्रिस्पी करारेदार अपनी फूल गोभी की पकौड़ा तैयार हुई है। अब हम इसे टेढ़ा करते हुए झड़ने की मदद से तेल गिरा देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी
कड़ाड़ीदार पकौड़ा तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी कड़ाड़ीदार केली फ्लावर के पकौड़े तैयार हुए हैं, यानी कि फूल गोभी की। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सभी पकौड़े फ्राई कर लेंगे। केली फ्लावर यानी कि फूल गोभी के पकौड़े तैयार कर लिए हैं, चलिए इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमने हरी धनिया और नारियल की चटनी बना रखी है। अब हम गर्मा गर्म अपनी केली फ्लावर का पकौड़ा सर्व करेंगे। आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया मज़ेदार अपनी पकौड़ा तैयार हुई है। तो इस पकौड़े को आप भी इस मानसून में ज़रूर बनाइएगा। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।